हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया अध्याय। इसको शुरू करने से पूर्व मैं आपको बता देती हूँ, फिर से आपको आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें। जिस प्रकार की नियमितता महाविद्यालय परिवार आपके लिए कर रहा है और आपकी सारी जो सभी विषयों की जो पढ़ाई हो रही है वो लगातार समय समय पर पूर्ण होती चली जा रही है और इस तरह से कोर्स भी काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप भी लगातार उसी गति से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद इन वीडियो का जो लाभ है आप लोग को मिलना चाहिए, वो लाभ का पूरा पूरा फायदा उठाएं। इस पढ़ाई को आप लोग अच्छे से समझें। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपनी शिक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इन वीडियोस का प्रयोग करें। तो हम पढ़ रहे थे अपना नया अध्याय जिसका नाम है लैंगिक न्याय। इसके नाम से हमें कुछ स्ट्राइक होता है। लैंगिक का अर्थ है लिंग से और न्याय का अर्थ न्याय से है। तो किस प्रकार से लिंग को आधार बनाकर एक असमानता का जो वातावरण तैयार हो चुका है, वही एक विषय है जो हमारे इस टॉपिक में आने वाला है। तो हम देखते हैं कि विश्व के अंदर इतनी अधिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, सरकार के पास इतनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में से एक है लैंगिक न्याय। आज हम भारत की ही नहीं पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में इस असमानता को आसानी से देखा जा सकता है। पुरुष और महिलाएं अलग अलग, एक नैतिक, ये तो एक लैंगिक न्याय है जो एक जैविक क्रिया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, रोल नहीं होता। ईश्वर ने जिस प्रकार से जिसको जो बनाया है, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, जो भी जो डिसाइड होना है वो ईश्वर की तरफ से होना है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में जिसमें ईश्वर का ही मुख्य भूमिका रहती है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं कि हम महिला है तो क्यों है और पुरुष है तो क्यों। तो ये जो असमानता हमारे पूरे समाज में फैल चुकी है कि महिलाओं से पुरुष अधिक श्रेष्ठ है, इस वजह से ये लैंगिक न्याय या लैंगिक असमानता को देखा गया है। तो क्यों ऐसा हुआ है? पूर्व के समय में यदि हम देखते हैं, इतिहास को हम साक्षी रखते हुए इस बात पे यदि हम मनन चिंतन करते हैं, तो नारी की एक समय स्थिति थी कि नारी को पूजा जाता था, नारी को देवताओं के तुल्य माना जाता था, क्योंकि तो नारी मातृशक्ति का प्रतीक है। तो मातृशक्ति के प्रतीक होने की वजह से ही कि बच्चे के नाम के आगे माता का नाम जोड़ा करता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के बदलाव में बहुत सारी बातें इसमें, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बातें इसमें मिलती चली गई और इन सब वजह से, इन सारी की सारी सामाजिक धार्मिक परंपराओं की वजह से जिसमें एक महिला घुटती और पिसती चली गई, उसकी वजह से एक दबाव बनता चला गया और धीरे धीरे स्वयं महिलाओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि महिलाएं से ज्यादा पुरुष श्रेष्ठ होते हैं और इसी वजह से लैंगिक असमानता एक समस्या का रूप धारण कर चुकी है। तो हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भारत में लैंगिक असमानता के कौन कौन से कारण रहे हैं उसे हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से भारत में लैंगिक असमानता को मुख्य रूप से देखा गया है और वो कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंगिक असमानता को हटाया जा सके। तो यदि हम कारणों की बात करते हैं तो उससे पहले हमें लैंगिक न्याय क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और जो हमारी बुक्स कहती हैं उसके अकॉर्डिंग समझना होगा कि मानव सभ्यता के इतिहास में स्त्री और पुरुष दोनों की अहम भूमिका है। समाज में इसकी भूमिका व स्थिति में समय समय पर परिवर्तन होते आए हैं।
क्योंकि लिंग एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसे समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्य व्यवहार व बनावट आदि से परिभाषित किया जाता है। लिंग एक जैविक शारीरिक घटना है और विभिन्न युगों में स्त्रियों को कभी दैवी शक्ति मानकर दैवी शक्ति का स्थान दिया जाता था तथा मातृ शक्ति को भी सम्माननीय दर्जा दिया जाता था, जिससे कई महान स्त्रियों ने अपना अहम योगदान देकर स्त्रियों की इस देवतुल्य भूमिका को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया। हम बात कर सकते हैं अपनी पुरानी जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं जो देवतुल्य महिलाएं रही हैं, उन सब की भूमिका इस समय विशिष्ट रही है और इन्होंने ही अपनी इस भूमिका को विशिष्टता प्रदान करके देवतुल्य भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होने लगा और इस परिवर्तन की वजह से स्त्रियों की दशा भी बदलने लगी। पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाने लगा तथा महिलाओं के कार्यों को सीमित कर दिया गया। उन्हें घर व सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। घर के समस्त कार्य और सामाजिक जिम्मेदारियों की अब पूरी की पूरी श्रृंखला महिलाओं को सौंप दी गई। वहीं से धीरे धीरे महिलाओं को अपमानित, शोषित और पीड़ित किया जाना प्रारंभ हो गया और इनकी दशा धीरे धीरे निम्न होती चली गई और निम्न से निम्नतर भी होती चली गई, जब ये शोषण और अत्याचार की प्रतिमूर्ति बनकर इस बात को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। स्त्रियों को कभी दासी के रूप में तो कभी पशु के रूप में समझा जाने लगा, जिसके लिए कभी समाज तो कभी परिस्थितियां और कभी स्वयं नारी जिम्मेदार रही है, क्योंकि समाज में स्त्रियों की स्थिति से व स्त्रियों की समाज में भूमिका से व सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों से व प्रतिमानों से समाज की स्थिति प्रभावित होती है और इसी प्रभाव को लैंगिक न्याय में समझाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई। प्राचीन काल में इतिहास गवाह है कि महिलाओं को देवतुल्य समझकर उनको पूजा जाता था और पुरुषों के स्थान पर महिलाओं का जो नाम था, बच्चे के नाम के आगे माता का नाम आता था और महिलाएं मातृ शक्ति का प्रतीक होने के कारण उनको देवतुल्य माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई और परिस्थितियों में बदलाव के कारण महिलाओं का जो जीवन था वो बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया, बहुत ही छोटा कर दिया गया और उन्हें घर में एक प्रकार से घर और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में बांध दिया गया। वहीं से शोषण और अत्याचार की एक नई श्रृंखला शुरू हो गई और उस श्रृंखला में नारी पिसती चली गई। धीरे धीरे इस बात से कई बार नारियों की स्थिति निम्न ही नहीं निम्नतर होती चली गई। नारियों को बेचा जाता था, पशुवत प्रताड़ित किया जाता था और उनकी जो मानवीय संवेदनाओं को उनके प्रति मानवीय संवेदनाएं लगभग लगभग समाप्त हो चुकी थी। शोषण और अत्याचार की इसी जंग में कहीं ना कहीं स्वयं नारी भी इसके लिए अपने आप को दोषी मान सकती है कि उसने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं है और यही कारण रहा लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण। तो अब हम पढ़ेंगे लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला कारण आता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण भारत में हमेशा से ही ये बात समझी जाने लगी कि बेटे के होने से वंश चलता है और पिता की छत्र छाया में ही जो महिला है उसका जीवन संरक्षित रहता है।
तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या थी? तो भारतीय समाज लिंग असमानता का प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानता है, क्योंकि इस व्यवस्था में ऐसी सामाजिक संरचना, प्रक्रिया और व्यवस्था का निर्माण हुआ जिससे आदमी और औरत का अपना प्रभुत्व, आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है तथा उसका दमन व शोषण करता है। भारतीय समाज पर व्यवस्था जो है, भारतीय समाज की इस व्यवस्था पर अपनी वैधता की स्वीकृति प्रदान करता है कि महिलाएं हमेशा से ही पितृग्रह में जब बच्चे जन्म लेती है तो पितृग्रह में संरक्षित रहती है, पलती पोसती है, उसको बड़ा वही पोषण मिलता है और धीरे धीरे वो पिता की जो बातें होती है उसको मानने और समझने लगती है। लेकिन जब ये बात उसको समझाई जाती है, करती, मतलब वो छोटे बन से संरक्षण महसूस करती है, लेकिन बड़े बड़े होते होते ये जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, उसे दबाव बना दिया जाता है कि ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य तुमको करना ही पड़ेगा, ये काम करना है, तो वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं पुरुषों को अधिक बलिष्ठ कर देती है। कि जहाँ वंश परंपरा की बात आती है कि वंश पुत्रों से ही चलता है, तो बहनों को दबा दिया जाता है और पुत्र को विशेष महत्वता दी जाती है। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है लैंगिक भेदभाव। कि लैंगिक भेदभाव क्या है, इसे अब हमको समझना होगा कि किस प्रकार से लैंगिक असमानता की वजह से भारत में ये समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। ईश्वर प्रदत्त इस गुण को चुनौती नहीं दी जा सकती कि महिला या पुरुष कैसे बना जाए। प्रारंभ में महिलाओं को यही समझाकर बड़ा किया, प्रारंभ से ही महिलाओं को यह समझाकर बड़ा किया जाता है कि पुरुष हमसे अधिक शक्तिशाली है, अतः हमें उनकी अधीनता को स्वीकार करना होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर विश्व की समस्त महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति आज भी प्राप्त नहीं है। कहने को हम आधुनिक हो चुके हैं पर व्यवहार में हम दिल से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त गुण है महिलाएं और पुरुष का होना, ये एक लैंगिक जैविक क्रिया है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। प्रारंभ से ही महिलाओं को ये समझाकर पाल पोष कर बड़ा किया जाता है, इस मेंटालिटी के साथ बड़ा किया जाता है कि पुरुष हमसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हमें पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करना ही होगा। पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करने के बाद ही हम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये समस्या अधिक तब हो जाती है जब इस बात को इस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है कि महिलाओं में शक्ति का अभाव है और वो स्वतंत्र होकर कोई कार्य नहीं कर सकती और इसी वजह से ये लैंगिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी बात है, तीसरा प्रमुख कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यदि हम देखते हैं तो प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। इसे अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत अधिक मान सम्मान दिया जाता था। उस समय पर्दा प्रथा व बाल विवाह जैसी परंपराएं भी नहीं थी। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था जिससे वे यज्ञ, शिक्षा दीक्षा, उपनयन संस्कार आदि कार्य में रुचि रखती थी। अर्थात उस समय लैंगिक समानता के पर्याप्त संकेत मिले हैं। कि हम वैदिक काल में यदि महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उस समय पर्दा प्रथा या बाल विवाह जैसी कोई समस्याएं नहीं थी।
धीरे धीरे ये समस्याएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना अपनी जड़ें मजबूत करती चली गई और धीरे धीरे परंपराओं ने तोड़ जोड़ कर कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाव की स्थिति में ले आते हैं और इस दबाव ने ही महिलाओं को पर्दा प्रथा जैसी पर्दा प्रथा या बाल विवाह जैसी परंपराओं में घेर लिया कि प्राचीन काल में यज्ञ हवन शिक्षा दीक्षा व उपनयन संस्कार जो होते थे उसमें महिलाएं भी पूर्ण रूप से शामिल होती थी और इसका अर्थ ये हुआ कि इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में लैंगिक असमानता नहीं थी और महिलाओं को पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता था। अगला है धार्मिक मान्यताएं कि वो कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हमारे लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, उसे अब हम पढ़ेंगे। धार्मिक मान्यताओं ने भी जोर देकर इस भेदभाव को बनाए रखने में बहुत मदद की है और दुर्भाग्यवश महिलाओं ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वे पुरुष से कम ज्ञानी हैं, अतः उन्हें सदैव ही पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करके ही जीवन में आगे बढ़ना होगा। धर्म ने भी कभी परंपराओं के नाम पर, कभी नीतियां के नाम पर और कभी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा देकर सदैव से ही महिलाओं को दबाने का प्रयास किया है। तो महिलाएं जब स्वयं इस चीज को, इस भेदभाव को स्वीकार करके ये मान लेती हैं कि पुरुष हमसे अधिक शक्तिशाली है, हमसे अधिक ज्ञानी है, हमें उनकी अधीनता में ही रहना होगा, तो ये लैंगिक जो न्याय है वो कहीं भी नजर नहीं आता। धार्मिक मान्यताओं में भी हम देख सकते हैं तो कभी नीति के नाम पर, कभी परंपराओं के नाम पर और कभी संस्कारों के नाम पर महिला को ही दबाया जाता है और इन परंपराओं ने ही महिला को कहीं ना कहीं दोयम दर्जा दिलवाया है। अगला है वैचारिक अवलंबन कि वैचारिक मान्यताएं ही इस प्रकार की हो गई हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं, महिलाएं पुरुषों से कम शिक्षित हैं और इसीलिए हर महिला, हम दुर्भाग्य कहेंगे कि महिलाएं सशक्त होने के बावजूद भी इस मान्यता से मुकर नहीं पाती है। आज विश्व का कोई भी देश इस असमानता से मुक्त नहीं है। यूं तो अलग अलग काल में लैंगिक भेदभाव की तीव्रता भी अलग अलग रही है, कभी कम तो कभी मध्यम और कभी अधिक रही है। इसका कारण महिलाओं की सामान्य दिनचर्या व पुरुषों पर निर्भरता इसका अधिक अधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी धारणाएं उपरोक्त वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं, अतः जरूरत है विश्व की आधी आबादी को इस भेदभाव से मुक्त कर इस भयावह वातावरण से मुक्ति दिलाना। कि वैचारिक अवलंबन ही यही कहता है हमको कि महिलाएं की जो दिनचर्या है, जो सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते निभाते महिलाओं की जो दिनचर्या है या महिलाएं जो पुरुषों पर एक प्रकार से पुरुषों पर जो वो निर्भर है, तो उसी वजह से पुरुषों पर निर्भरता की वजह से और महिलाओं की दिनचर्याओं की वजह से पुरुष हमेशा हावी होते चले गए और महिलाएं लगातार दबती चली गईं। और यही वैचारिक अवलंबन है कि स्वयं महिलाओं ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम पुरुषों से कम शिक्षित हैं, हम उनसे कम शक्तिशाली हैं और हमें कहीं ना कहीं इन सब बातों को, वैचारिक मतभेद को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करने होंगे। आज भारत ही नहीं, विश्व का अधिकांश राष्ट्र इस विचारधारा को मानते हैं और तो हमें जरूरत है कि विश्व की आधी आबादी को इस लैंगिक न्याय के द्वारा उस भयावह वातावरण से मुक्त करवाया जाए और उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। तो क्या हो सकते हैं
इसके सुझाव क्या हो सकते हैं कि हमें क्या करना होगा जिससे ये लैंगिक असमानता जो पूरे विश्व में फैल चुकी है उसे समाप्त किया जाए। तो उसमें सुझाव हम अगला टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। तो उसमें से पहला सुझाव है शिक्षा, कि प्राचीन काल में या इतिहास में हम बहुत पीछे तक नहीं जाएंगे, इतिहास में यदि हम देखते हैं तो पहले शिक्षा का जो वो था प्रतिशत था वो महिलाओं के लिए बहुत ही कम था, और वर्तमान में भी यदि हम इंटीरियर्स में जाएं अपने तो वहाँ पर आज भी महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता है और पुरुषों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा शिक्षा में बहुत ही कम आंकी गई है। विश्व सूचकांक के अनुसार भारत की मात्र 26.7 महिलाएं ही शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करती हैं। अतः इस खेदजनक परिस्थिति को शिक्षा के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है। यदि हम सूचकांक देखें कि विश्व सूचकांक हमें शिक्षा के दायरे में क्या बताता है, तो विश्व के अन्य राष्ट्रों के अपेक्षा भारत का जो सूचकांक है 26.7 महिलाएं ही शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस व्यवस्था को या इस प्रतिशतता को और बढ़ाया जाए और महिलाएं अधिक से अधिक शिक्षित होकर अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने या अपनी स्वतंत्र विचारधारा को पालें। अगला सुझाव है आर्थिक स्वतंत्रता, कि क्या है आर्थिक स्वतंत्रता। जब शैक्षणिक उपलब्धियों के अवसर प्राप्त होंगे जिनसे महिलाएं अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमानी पूर्ण जीवन यापन कर सकेंगी, तो ये असमानता कहीं ना कहीं घुटने टेक देगी। तो पहले महिलाएं घर तक जब सीमित थी, काम उनसे ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे वो ऐसी शिक्षा भी वो प्राप्त नहीं करती थी, ऐसा काम नहीं करती थी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन अब ये सुझाव के रूप में यदि हम देखते हैं कि यदि महिलाएं शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करती हैं, महिलाएं और भी किसी प्रकार का ऐसा काम करती हैं जिसके बदले काम के बदले उनको दाम मिले, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे मजदूर लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कि ऐसी श्रेणी में जो लोग आते हैं शिक्षित नहीं होते लेकिन बहुत सारे ऐसे सामाजिक आर्थिक कार्य होते हैं जिनको करने से उनको पैसा मिलता है, जैसे शादी ब्याह में जो कार्य करने होते हैं बहुत सारे, या मजदूरों का जो कार्य है उन कार्यों की बात करती हूँ। यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तो ये लैंगिक न्याय ऑटोमेटिकली हमको समानता की ओर ले जाएगा और इस असमानता को कम कर देगा। अगला सुझाव है स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा, कि महिलाएं घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो या उनकी दिनचर्या इस प्रकार से हो कि उनकी उन्हें एक स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सके। तो अपने परिवार की वो चिंता करती है, अपने परिवार की उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाती है, लेकिन स्वयं के प्रति कहीं ना कहीं वो बेरुखी दिखाती है और इसी बेरुखी के कारण जीवन प्रत्याशा महिलाओं की वो कम होती चली जा रही है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य सूचकांक को देखने से ज्ञात होता है कि केवल 51% महिलाएं ही पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वर्तमान में परिवार के प्रत्येक सदस्य को पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन महिलाओं की भागीदारी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि महिलाएं भोजन की गुणवत्ता पौष्टिकता और स्वाद का पूरा ध्यान रखती हैं और परिवार के समस्त सदस्यों को पूर्ण जिम्मेदारी से भोजन करवाती हैं। लेकिन स्वयं अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाती है और अपना ध्यान रखने में असमर्थ हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा निरंतर कमी जीवन प्रत्याशा में निरंतर कमी आती जा रही है।
जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि जो जीवन की जीवन रेखा है कि हमें ईश्वर ने दी है कि हम कितनी लॉन्ग लाइफ जिएंगे, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन यदि हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी जो आयु है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वही है जीवन प्रत्याशा। अगला है लिंगानुपात में लगातार कमी, कि लिंगानुपात में लगातार कमी होती चली जा रही है, कि समय के अनुसार कई बदलाव और कई प्रयासों के बाद भी आज भी वर्तमान में भी यदि हम देखते हैं कुछ समय पहले की बात तो 1000 पुरुषों के समक्ष महिलाओं की संख्या मात्र 949 आकी गई थी, यानी कि 51 बच्चियां 1000 पुरुष, तो महिलाओं की संख्या कम थी। इससे पहले का आंकड़ा बहुत ही कम हो गया था, जो भारतीयों के एक गलत सोच का परिणाम था, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण कन्या भ्रूण हत्या को माना जाता है, कि कन्या भ्रूण हत्या होते ही कन्या भ्रूण को मार दिया जाता था, जो एक अमानवीय और शर्मनाक कार्य है। और भारत में लगभग 1,00,000 अवैध गर्भपात कन्या भ्रूण होने के कारण ही करवाए जाते हैं। इस निराशाजनक स्थिति के कारण महिलाएं एनीमिया की शिकार हो जाती हैं, जिससे उनके जीवन की प्रत्याशा बहुत कम हो जाती है, और जनता व प्रशासन को मिलकर इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, तभी इस लिंगानुपात में कमी को समाप्त किया जा सकेगा। अगला जो हम देखते हैं कि लिंग अनुपात में जहां महिलाएं 949 जो है 949 है 1000 पुरुषों पर, तो ये एक प्रतिशतता है कि लगातार 1000 पुरुष के स्थान पर 51 महिलाएं या कन्या भ्रूण कम होते हैं। तो एक गलत विचारधारा हम भारतीयों के मन मस्तिष्क में बैठ गई थी कि कन्या के पैदा होते ही उसे मार दिया जाए, तो कन्या भ्रूण हत्या की वजह से इसमें लगातार कमी आ रही थी। ये प्रतिशतता तो पहले और भी कम थी, ये तो सरकार के प्रयासों से या एक शिक्षा के माध्यम से इस प्रतिशतता को बहुत ही बढ़ाया गया, और कहीं ना कहीं अब आंकड़ा काफी पहले से बेहतर है। अगला है संवैधानिक सुरक्षा, कि संविधान की तरफ से भी लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि इस लैंगिक असमानता को रोका जा सके। आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत की आधी आबादी असुरक्षित है, तो विषय अत्यधिक गंभीर है और सोचनीय बन जाता है। अतः सरकार को संवैधानिक उपायों में दृढ़ता लानी होगी और एक स्वस्थ माहौल देना होगा, जिससे जनता सुखी और स्वस्थ रह सके। सती प्रथा उन्मूलन 1829 में हुआ था, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध 1961 में कानूनी कार्यवाही हुई थी, और अंतरजातीय विवाह अधिनियम 1944 में और विवाह प्रतिच्छेद 1963 में इसके ज्वलंत उदाहरण है। और संवैधानिक सुझावों से ही सरकार भारत की आधी आबादी को की रक्षा उतर कर मैदान में आई है, और इसी वजह से लगातार जब संवैधानिक संरक्षण महिलाओं को कहीं ना कहीं मिलेगा तो वो अपनी शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करेंगी, और शिक्षा को के माध्यम से या भारत को एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ाने में अपनी मदद अवश्य करेंगी। अगला है महिला सशक्तिकरण, कि जब महिला शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, स्वस्थ होगी, तो और संवैधानिक संरक्षण उसे लगातार मिला हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण अवश्य होगा, कि जहां महिलाएं अपने आप को शक्तिहीन समझती हैं, वहीं वो कितनी सशक्त है इस बात पर जोर बढ़ेगा। तो संवैधानिक सूची के साथ साथ कई प्रकार के भेदभाव असमानताएं लगातार चली आ रही हैं, जिन्हें बदलना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं महिलाओं को अपनी संस्कृति के अनुरूप
पढ़ लिख कर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनकर भय मुक्त वातावरण तैयार करना होगा तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर होना होगा। तभी महिलाएं लोकतंत्र में सहभागी भूमिका में रहेंगी और आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकेंगी। कि जब महिलाएं स्वयं इस प्रकार की कार्यवाहियों में अपना पूरा का पूरा योगदान देंगी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा से वो आगे ऊपर उठेंगी और कहीं ना कहीं इस लैंगिक न्याय को अपनी तरफ से पूर्ण मदद देकर अच्छे रूप में और भी अधिक अच्छे रूप में प्रदर्शित कर सकेंगी।